डीडीसीए में कथित अनियमितता का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट में बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद कोर्ट में पेश हुए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत कारणों की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हुए, लिहाजा कोर्ट से उन्होंने पेशी से छूट देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी ये दलील मानते हुए 21 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसी मामले में बतौर आरोपी पेश हुए बीजेपी के निलंबित सांसद को जमानत दे दी है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट दोनों आरोपियों को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। वही मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि डीडीसीए अधिकारियों के बारे में ये कहना कि उन्होंने एक महिला के बेटे का चयन करने के लिए उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था गंभीर मानहानि वाली टिप्पणी है। डीडीसीए में सैकड़ों खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह का बयान वो भी एक मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, जिससे क्रिकेटरों, अधिकारियों और जनता की सोच पर दूरगामी प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे डीडीसीए के कामकाज चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान न केवल न्यूज चैनल पर चले बल्कि सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। गौरतलब है कि डीडीसीए और उसके उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने ये याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील संग्राम पटनायक ने अदालत के समकक्ष एक टीवी चैनल की फुटेज दिखाई थी, जिसमें इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीडीसीए सेक्स रैकेट का अड्डा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री के इस बयान का पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने समर्थन किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक दोनों के इन बयानों से लोगों की नजर में डीडीसीए की छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मानहानि और मानहानि की सजा की धारा 499 और 500 के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा किया जाए। सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, दिल्ली।